Asalaamu As Alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will discuss some questions about vector space and spanning of subspaces. Anyhow, yani a subspace is spanned by given vectors one of important question and important result is discussed for you we prove show that the y z plane y yani z plane mein obviously can x 0 let it is denoted by w equal to 0 y z such that y z belongs to r is spanned by a 0 वन वन एंड जीरो टू माइनस वन इसका एक और भी क्वेश्चन है जिसको भी हम बाद में देखेंगे तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को दूसरा पार्ट के यही वाई जेड प्लेन जीरो वन टू जीरो टू थ्री और जीरो थ्री वन से भी स्पेन होती है पहले मैं पहला हिस्सा यानी इसको मैं प्रूव करता हूं वाई जेड प्लेन डब्ल्यू ये जीरो वाई जेड ये तो दिया हुआ है ना अब यहां से हम इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं स्मॉल डब्ल्यू तो ऑब्वियसली स्मॉल डब्ल्यू जीरो वाई और जेड के फॉर्म में हुआ और ए और बी अब ये इसका लीनियर कंबिनेशन कैसे होगा डब्ल्यू के इन दो का अगर लीनियर कंबिनेशन ए मल्टीप्लाइड बाई दिस वेक्टर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई दिस वेक्टर फॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू आर तो डब्ल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे जीरो वाई जेड इज इक्वल टू ये ए से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह बन जाएगा जीरो ए ए अंदर इसको बी से मल्टीप्लाई करते ये बन जाएगा जीरो टू बी और माइनस बी अब इनको हम प्लस कर लेते हैं तो ये जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया ए प्लस टू बी हो गया यानी ये दूसरे में दूसरा और कॉमा ए और ये माइनस बी इनको प्लस करेंगे तो ए माइनस बी ये तीसरा हो गया इधर क्या आया जी जीरो वाई और सेट अब जीरो तो जीरो के बराबर हुआ फिर वाई किसका इक्वल हुआ ए प्लस टू बी के और जेड इक्वल हुआ जी ए माइनस बी के ये y और जेड है ना इसको नंबर वन कह लेते हैं इसको नंबर हम टू कह लेते हैं तो वन और टू को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें यानी सॉल्विंग वन एंड टू तो इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए की जो हमारे पास आता है ए आएगा जी टू एक्स सॉरी टू जेड एक्स तो जीरो है ना टू जेड प्लस वाई ओवर थ्री और बी हमारे पास आएगा जी वाई माइनस जेड ओवर थ्री आप दोनों में देखें इधर भी एक्स नहीं है इधर भी एक्स नहीं है और वैसे भी वाई जेड प्लेन में आपको पता है कि एक्स नहीं है तो इसका यह मतलब हुआ कि इसका हर एलिमेंट इन दो के लिनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो इट मीन्स के वाई जेड प्लेन इज स्पैंड बाई दीज टू द वाई जेड प्लेन इज स्पेंड बाई किस किससे स्पैंड हुई जीरो वन वन और एंड जीरो टू माइनस वन एज रिक्वायर्ड अच्छा इसका जो सेकंड पार्ट है यानी पार्ट टू ये आपका मैं होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूं ये आपने इसको खुद करना है ये सेम इन स्टेप्स पे होना है अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं ये भी बड़ा इजी एक क्वेश्चन है शो दैट द कंप्लेक्स नंबर्स टू प्लस थ्री यू टा एंड वन माइनस टू योट जनरेट द वेक्टर स्पेस स्वी ओवर आर तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसको मैं आपको सामने सॉल्व करता हूँ तो अब ये सेट ऑफ कंप्लेक्स नंबर में से सी में से आपने एक एक्स प्लस जोटा वाई एलिमेंट लिया तो इन दो का आपने लिनियर कंबिनेशन बनाना है तो एक्स प्लस जोटा वाई को हम ए इंटू दिस कंप्लेक्स नंबर प्लस बी इंटू दिस जिसमें आपका ए और बी जो है ए एंड बी बिलोंग्स टू आर हुए अब a को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया टू ए प्लस थ्री बी टू ए और प्लस बी आगे ये थ्री ए इसके साथ योटा है और माइनस टू बी के साथ भी योटा योटा कॉमन ले लिया तो ये आ गया अब इनको अगर आप ए, रियल में रियल और इमेजिनरी से इमेजिनरी को इक्वेट करें यानी इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स तो एक्स किसको कोल आया जी टू ए प्लस बी और वाई किसको कोल आया इमेजनरी पार्ट तो वो आया जी थ्री ए माइनस टू बी इसे नंबर वन आप कह लें इसे आप नंबर टू कर लें इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें यानी वन एंड टू को तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी वो आएगा जी टू एक्स प्लस वाई ओवर सेवन ये नीचे सेवन है एंड जो बी है उसकी वैल्यू आएगी जी थ्री एक्स माइनस टू वाई ओवर सेवन तो ये आपने ए और बी की वैल्यू तो इसका मतलब कि जो हर कंप्लेक्स नंबर है वो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज टू वैक्टर्स है ए एल बी आर आर्बिट्रेरी नंबर इट मींस यानी कि एवरी कंप्लेक्स नंबर यानी एक्स प्लस योटा वाई ऑफ सी इज एक्सप्रेसिबल एज ए लीनियर कंबिनेशन ऑफ दीज टू वैक्टर्स कौन से टू प्लस थ्री अयोटा एंड वन माइनस टू अयोटा ये समझ आ गई ना और ए और बी ये है इसमें जो आपने निकाल लें इट मीन्स के दीज टू वैक्टर्स जनरेट सी with जनरेट सी ओवर आर यही हमारा थ्योरम था या क्वेश्चन था एज required। ये बहुत सिंपल है इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस भी बड़े सिंपल हैं आपने ट्राई करनी है कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो वो मुझसे आपने ज़रूर पूछना है अपने कमेंट भी अगर आपको ये क्वेश्चन के समझ आई तो ज़रूर कीजिए किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो वो भी आपने मुझसे डिस्कस करनी है थैंक यू जी